उन्होंने क्या कोई कोऑर्डिनेट किया है। ये कुदरत की तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जब मैं निकला वहाँ से जाकबाबाद से, तो सबसे पहले मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ और मैं किसको फ़ोन करूँ कि अच्छा यार मैं कराची आ रहा हूँ। और मैं मजाक कर रहे हैं, असली में फ़ोन ना करिएगा उनको भी, मैं उनको कह देती हूँ कि साइलेंट कर दें, अभी फ़ोन ना करिएगा। तो मैंने बस मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने कैसर को फ़ोन किया, मैंने कहा कैसर मैं आ रहा हूँ और बस कुछ करो। कहेंगे क्या करें, मैंने कहा कुछ करो बस, मैं इंशाल्लाह कल सुबह तक या कल दोपहर तक मैं पहुँच जाऊँगा। और आप यकीन करो जब मैं पहुँचा हूँ तो कैसर वॉज रेडी, यानी ही वॉज रेडी विद द कैम्प, ही वॉज रेडी विद द मीडिया, या एक एक चीज़ यानी सबसे पहले ये सब कुछ तैयार करके बैठा हुआ था। और कैसर ने कहा अयूब आओ लेट्स स्टार्ट, और हमने देर नहीं की कि हम ये अच्छा सोचें, अच्छा कोई मीटिंग बुलाएं, अच्छा किसी कमेटी को कहें, बस हमने स्टार्ट ले ली। और जब हमने स्टार्ट लिया तो आस्ता आस्ता चीज़ें हमारे साथ आगे बढ़ना शुरू हुई और आज तक ये काम चल रहा है। और ये हम नहीं समझते कि कोई आम ये कहेंगे नाउ वी आर रिलैक्स, काम खत्म हो गया। हमने बाकायदा हमने वो बाकी बड़े बड़े लोगों के साथ मीटिंग्स भी हुई, गवर्नर हाउस भी गए, बड़े हमारे आर्टिस्ट आए, बड़ी बड़ी सजेशंस आए, लोगों ने पता नहीं क्या से क्या बाहर निकला है, हर एक अपने अपने भूल जाते हैं लोग, भूल जाते हैं। मैं किसी की रिकॉर्डिंग चल रही हूँ, आप बात करें, मैं फोन बिजी हो जाते हैं, तो इस वजह से। अच्छा मुझे याद है जब फ्लड का हम पूरे वीक हमने किया था, तो उस वक्त हमने भी एक टेलीथॉन की थी। उस वक्त मोहसिन जब आए थे, मोहसिन सईद मेरे पास, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम ऑन एयर मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये सिचुएशन भूलोगी नहीं, और अगले दो साल तक, दो साल एक बड़ा टारगेट है, दो साल तक एटलीस्ट वक्तन फवक्तन इसके बारे में बात जरूर करोगी, क्योंकि वो जो डेविस्टेशन है वो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े लेवल पर है, बहुत ज़्यादा है, तो वो समेट 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 बहुत टाइम लगेगा उसको सही करने में। अच्छा अब तक क्या इनिशिएटिव आप लोगों की तरफ से लिया गया है, खुद फील्ड्स में आप लोग गए हैं, कहाँ कहाँ रहे आप, क्या क्या एक्सपीरियंस रहा? देखिए हमने सिंध को जो है दो हिस्सों में विजुअली हमने उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया अपने काम के हवाले से, एक नॉर्दर्न सिंध और एक सदर्न सिंध। मैं जो टेक केयर कर रहा हूँ, चूंकि मैं मेरा ताल्लुक हैदराबाद से, तो मैं थट्टा, मकली, सजावल, हैदराबाद, जामचोरो, दादू, मैं इन इलाकों को देख रहा हूँ। अयूब जो हैं नॉर्थन एरियाज को देख रहे हैं। अच्छा जो मेरे इलाके में जो काम यहाँ पर ज़ाहिर है, फुल से और जैकबाबाद से, जाफराबाद से पानी जब निकला है तो ज़ाहिर है नीचे की तरफ समंदर की तरफ आया। हम लोगों की कोशिश सबसे पहले ये रही कि जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे हम रबते में रहें, और हमारे साथ दो चैनल्स की सपोर्ट थी। अब मैं नाम ले लूँगा बुरा ना माने, अच्छा नाम ना ले सब ठीक है, बहरहाल दो चैनल्स के हमारे साथ बहुत ज़्यादा नाम ले, वो कह रही है ना ले, अच्छी बात क्यों नौकरी दे के भाई, क्यों 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 अच्छा ये तो आप बोलना चाहिए, आप अप्रिशिएट करना चाहिए, बोल रहे दुनिया दुनिया की भी और आवाज टीम नहीं, कहने का मकसद ये है, देखिए आप भी, आपकी भी कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल। अब इस वक्त हम लोग बैठे हैं, कलेक्टिव एफर्ट, हम टेलीविजन के एक कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मीडिया ने इतना काम किया है कि अगर हम मीडिया को अप्रिशिएट ना करें तो वो बिकना इंसाफ। हां वैसे ये बात है, वाकई है, दैट आई हैव टू एडमिट या आई स्टैंड कन्विंस, बिल्कुल इंसाफी होगी, क्योंकि अगर हम ये समझते हैं कि अगर हमने भी काम किया है तो वो मीडिया की सपोर्ट की वजह से ही हमने ये अचीव, और इतना आगे अगर हम ना करते, अगर आप लोग हमारे साथ ना होते, जाहिर है इतने वो इसकी वो ना होती, तो हम लोगों ने उनके प्लेटफॉर्म, मतलब उन्होंने हमें सपोर्ट किया, जब उन्होंने कैंप लगाया तो वो लोग साथ आ गए, फिर हमको काफ़ी सपोर्ट मिलती चली गई, फिर हमने जो अथॉरिटीज़ हैं इंतज़ामिया उनको अपने साथ इंटैक्ट रखा, उनसे बात करते रहे, और जो लोगों की प्रॉब्लम्स होती थी उनसे शेयर, हम लोग ब्रिज का काम करते रहे टेलीविज़न के हवाले से। लेकिन जब वो ब्रिज का काम भी हमने कहा कि यार सफिशिएंट नहीं है, फिर अयूब मैं हम लोग फील्ड्स में निकल गया, जितना कुछ डोनेशन आता था हमारे कैंप पर, जहाँ जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई ज़्यादातर जैकबाबाद की तरफ, सबको पता है कि तो हमने जितनी भी डोनेशन आई ज़्यादातर हमने पाकिस्तान एयरफोर्स के ताबून से अयूब जो हैं वो सारी चीज़ें लेकर जैकबाबाद की तरफ गए, फिर जो हम यहाँ पर रिलीफ कर सकते थे हट्टा मकली की तरफ वो करते रहे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन अगला जो फेज़ अब जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, दैट इज़ नॉट ओनली रिलीफ बट दैट इज़ रिहैबिलिटेशन, क्योंकि लोग अब अपने घरों को वापस जाना शुरू हो गए हैं, उन घरों में जहाँ पर के पहले हरा सब्जा था, हरियाली थी, उनके माल मवेशी थे, उनका फूड स्टोरेज था, एक सिस्टम बना हुआ था, लेकिन अब जब वो लोग वहाँ गए हैं तो सिर्फ एक मैदान है कीचड़ से भरा और पानी से भरा हुआ, उनको वहाँ रखना है और उन्हें वहाँ जिंदा रखना है, तो उसके लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं हमारे अपने प्लान्स हैं, और हम डेफिनेटली जब जब आप हमें मौका देंगे हम शेयर करते रहेंगे। और वो हजरात जो इस वक्त अयूब साहब को ये मुझे देख रहे हैं, हम लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस में गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन आप लोग जो अपने घरों में बैठे हम लोग को देख रहे हैं, आप भी आगे आइए और हेल्प आउट कीजिए जिस तरह और लोग कर रहे हैं, पूरी दुनिया
पूरी दुनिया के लोग कर रहे हैं, तो हमारे लोग भी अगर करेंगे तो उनको आसानी है कि चेक एंड बैलेंस होगा। अगर वो फिजिकली खुद जाके जगह देखना चाहें, उन गांव को देखना चाहें, उन कस्बों को देखना चाहें, और वो जाके देखें, उसके बाद खुद डिसाइड करें कि आया हम वाकई सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक ये कह दिया मैंने कि जहाँ पे मैं हूँ उसके तकरीबन कोई इर्द गिर्द 80 या 90 के करीब इस तरह के गाँव हैं जो कि टोटली ख़त्म हो चुके हैं। अब रास्ते बनते जा रहे हैं। मैंने दोस्तों को ये अपील की है, मैंने कहा जो भी कोई छोटा सा गांव या बड़ा गांव अपने ज़िम्मे लेना चाहे वो आए, मैं उसका वहां पे मेज़बान हूं, मैं उसकी खिदमत करूंगा, जो भी दाल रोटी होगी मैं उसका ख्याल रखूंगा, हतल इमकान जो भी वहां पे सिलसिला इस वक्त मौजूद है वो आए, कोई एक गाँव ले लें। वो बहुत बड़े वहाँ कोई बंगलोज नहीं बनाने हैं, उनकी छोटी छोटी झोंपड़ियाँ हैं जो कि 30 और 35 हज़ार रुपये के दरमियान, हमने ये एक अंदाज़ा लगाया, एक तखमीन लगाया कि 30-35 हज़ार के दरमियान एक आदमी वापस अपने सर जो उसको ढांपने की जगह है वो उसकी मिल जाएगी। फिर वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आगे उसकी किस तरह से हेल्प आउट करनी है, किस तरह से आगे जाके काम लेके जाना, क्योंकि अब ये एग्रीकल्चर सीज़न है या फिर रबी क्रॉप का पानी उतर रहा है, अगर उतर रहा है तो उसको काबिल बनाना है। अगर आपने रबी को आपने कंसनट्रेट नहीं किया तो देन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा बिल्कुल हमारे अपने लोगों के लिए भी होगी और उन लोगों के लिए स्पेशली जिनके असल जरिए माश ये है। अच्छा छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक पर जाने से पहले प्लीज़ इन पे एक और दफ़ा फोकस करें। लुक एट दीज मेन, एक बड़ा लंबा सफ़र तय करके आए हैं और माशाल्लाह आज मैं कह सकती हूँ बड़ा सेफली के मीडिया में कुछ चंद ऐसे लोग हैं जो मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं। दीज टू मैन आर वन ऑफ देम और सबसे अच्छी बात यह कि अच्छा दिल रखते हैं। बहुत कम ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है कि बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छा दिल हो और बहुत अच्छा काम करते हो, ज़्यादातर कुछ अजीब किस्म का कॉम्बिनेशन। आई टेल यू वाई छोटी सी ब्रेक के बाद मैं बताऊंगी मैं इतनी ज़्यादा तारीफ क्यों कर रही हूँ, ताकि मैं डांटना पड़े ना बाद में। छोटी सी ब्रेक, गुड मॉर्निंग जिंदगी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग जिंदगी। अच्छा भाई हम ब्रेक पर जाने से पहले काफ़ी मैंने एक लंबी सी तमहीद बांध दी थी किसी बात के लिए। मैं असल में इसलिए बात तमहीद बांध रही थी बात की कि जो बात करने लगी हूँ वो ज़रा सी लोगों के इंटरेस्ट की है कि आप एक ऐसे एरिया से हैं जहाँ से लोग बहम गुमान में नहीं रखते कि जी यहाँ से भी कोई अच्छा एक्टर निकल कर इतना सक्सेसफुल होगा कि पूरा पाकिस्तान उसको जानता होगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो जिस एरिया से आप ताल्लुक़ रखते हैं वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, वहाँ पे एक्टिंग का शायद जो हमें लगता है जो कि एक नॉर्मल परसेप्शन है वो ये है कि शायद एक्टिंग या टीवी की तरफ ना आना चाहे कोई। आप सर आपका जो बैकग्राउंड है वो आपने खुद बताया था उसके बारे में, एक जगह पर आपको कोट किया हुआ है जो कि मेरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने कहा था कि जी मेरी जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल है और जो मटर्नल साइड है उसने आपको पाला है, तो वो थोड़ा सा ये दोनों बैकग्राउंड थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रही थी कि इतना लंबा सफ़र तय करके आए माशाल्लाह ना, और दे मेक अस प्राउड बिकॉज देर ग्रेट ह्यूमन बीइंग्स और बहुत क्लैरिटी है विजन में, लेकिन रास्ता बड़ा लंबा था, कहाँ से कैसे किस तरह शुरू हुआ दोनों के लिए? जो पहले whoever wants to go first। अच्छा ये पता है ये इस तरह के सवाल है ना जिसके लिए हम जो है ना इस वक्त में प्रिपेयर नहीं थे। एनीवेज ये था कि मेरा जो ब्रॉटअप है वो क्योंकि क्वेटा में हुआ, मेरे सारे एजुकेशन क्वेटा में हुई, उस ज़माने में वन ऑफ द बेस्ट स्कूल सेंट फ्रांसिस ग्रामर स्कूल वहाँ पे मेरा ब्रॉटअप हुआ। फिर जाहिर है फिर वहाँ पे जैसे पेरेंट्स डे पे कंसर्ट्स वगैरह होते हैं चीज़ें, तो एक वो एक एक्टर कहीं से उसने वो पैदा हो गया था ठीक है। लेकिन जब फिर मैं टेलीविजन पर आया तो एक रिजिस्ट हुआ, ये नहीं कि मतलब मेरे बड़े वो पढ़े लिखे नहीं थे, माई फादर वॉज बॉम्बे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ठीक है, तो वो ये सिर्फ ये उनको खर्चा था कि अगर ये टेलीविज़न की तरफ चला गया तो जो इसकी एजुकेशन है वो रह जाएगी, जो कि फ्रेंकली स्पीकिंग रह भी गई, मैं कहने वाली हूँ ठीक है वो रह भी गई। तो मैंने एक वो एक नॉर्मल सी एक एजुकेशन जो होती है, फिर मैंने मास्टर्स किया कॉमर्स में और ये इस तरह से जिस तरह से वो चाह रहे थे कि जनाब ये एक CSS करे और एक DC बने, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कोई DC SP या DPO वगैरह नहीं बना। आपने क्यों कहा? अल्लाह हू अकबर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इस अब जो जलजिले के ज़माने में मैं हालात देख रहा हूँ और जिस तरह से उनकी एक कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स इस सारे उसकी तरफ जा रही है। खैर बहरहाल मैं दोबारा अपने उस पर आता हूँ, तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा क्योंकि वो मेरा जहन था ही नहीं ये थोड़ी सी शुरू में एक वो हुआ, लेकिन जब उसके बाद मेरे कुछ प्लेस अच्छे चले गए तब फिर मेरे ताया ने अबू ने मुझे कहा कि ओके ठीक है अगर आप करना चाहते हो तो वो आप।
तो इस तरह से था, ये नहीं था कि वो मेरे पीछे को डंडा लेके भाग रहे थे और मैं टेलीविजन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। हालांकि में ये था कि मेरा एक ड्रामा सीरियल चला भंवर के नाम से, अमर जीली साहब का लिखा हुआ, तारक महराज का डायरेक्ट किया हुआ। उसमें लास्ट एपिसोड में जब मुझे हथकड़ी लगती है, वो मुझे लेके जा रहे होते हैं जेल, तो गांव में उस जमाने में नया नया टेलीविजन आ गया था, तो एक टीवी सेट हुआ करता था और हजारों की तादाद में लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं, तो वहाँ पे सब अफसोस कर रहे थे कि देखो कितने बड़े जमींदार का बेटा है और कितने अच्छे खानदान का है, अगर ये काम ना करता तो इसको पुलिस क्यों लेके जाए। कितने प्यारे लोग हैं, कितने मासूम लोग हैं, मोहब्बत हो जाए आपको ऐसे लोगों से, कितने प्यारे हैं। अच्छा सर, मैं मेरी पैदाइश हैदराबाद की है और मेरी जितनी भी स्कूलिंग हुई कराची से, सेंट पीटर से मैंने मैट्रिक किया, एसएन कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। वही अयूब वाली बात कि जब आप किसी एक्टिविटी में एंटर हो जाते हैं तो आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन अगर आप लेना चाह रहे हैं वो आप नहीं एक्वायर कर पाते। हमने फिर इसी तरह ग्रेजुएशन करके फिर मास्टर्स किया और इस वक्त मैं एसएम लॉ कॉलेज के फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, नहीं कर पाया 3 साल से अभी तक। क्यों कि जब आप एक काम में दाखिल हो जाते हैं, अच्छा हमारे मेरे पीछे भी कोई डंडा लेके नहीं पड़ा था कि तुम ये करो ये ना करो। मेरे बाबा MBBS डॉक्टर थे, चंडोलाया में यूज टू प्रैक्टिस, और बाबा पहले कहते थे यार तुम टीवी पे आओगे लोग क्या कहेंगे मुझे कि तुम्हारा बेटा टीवी पे आता है, ये वो विरासत मतलब। हाँ तो फिर जब मेरा प्ले मारवी जब बहुत हिट हो गया तो बाबा का मेरा फोन आया, कह रहे यार मैं बैठा हूँ तो जो फीमेल पेशेंट्स आ रही हैं वो ये कह रही हैं कैसर का बाप है ये, पहले तुम लोग हमारे नाम से पहचाने जाते थे अब मैं तुम्हारे नाम से पहचान, मुझे अच्छा लग रहा है यार तू चक्कर लगा मेरे पास। तो दैट डे बाबा ने मुझे इतना प्यार से बोला और फिर मैंने कहा यार ये काम करते रहना चाहिए, तब से मैंने ये काम करना शुरू किया। और अच्छा, ओरिजिनल ख्वाहिश आपके वालदैन की थी गालिबन डॉक्टर बनने की ही? बाबा की थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मैं कभी भी अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा, हमेशा कॉलेज में बैक बेंचर, और जहाँ टीचर ने ब्लैक बोर्ड की तरफ चेहरा किया और अटेंडेंस लगी और बाहर गायब। हाँ, मेरा वाला केस है, लेकिन मैं फिर भी पता नहीं कैसे बन गई थी, डिग्री चेक करानी पड़ेगी। नहीं वो करा लें, वो अभी हुई रिसेंटली मेरे 2007 की ग्रेजुएशन है, मुझे कोई मसला नहीं है। टेलीविजन में जितने लोग आते हैं एक्टर्स और एंकर्स और सारे, बिल्कुल करें, उनको चेक करना। मैं तो कहती हूँ करें क्योंकि इतने सारे लोग हैं, मैं चाहती हूँ ऐसा कुछ हो क्योंकि ये तो कोई बात ही ना हो भाई। अच्छा मजे की बात यह है कि जो पूरा रास्ता है, जो पूरा आप लोगों ने सफर किया है और उस वक्त से आज तक, कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर हुई होगी जो आप लोगों के लिए। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि हम क्या बाबा आदम के जमाने के हैं? मैंने शुरू किया है 90 में। हाँ ठीक है, अयूब साहब ने भी रखा है, ज्यादा नहीं हम लोग इतने पुराने नहीं है। अब देखें, अगर आप लोग प्रूफ करना चाह रहे हैं ऐसी बात को जो मैं कहना नहीं चाहती तो हो नहीं सकता। मतलब दिस इज, अब ये देखें इन्होंने जो प्रोग्राम शुरू किया था 15 साल पहले, आपने हम तो बचपन से देखते आ रहे हैं, देख रहे हैं। ब्रेक ले लेते क्योंकि मुझे इसके बाद तो कॉफी पीनी पड़ेगी बहुत सारी, ताकि जरा मैं और हाजिर दिमाग हो जाऊं। लेकिन वेरी ऑनेस्टली ऐसा जरूर हुआ होगा कभी तो आपने सोचा होगा कि बस अब मुझे ये नहीं करना, मैं कुछ और करता हूं, जैसे आपने एक्टिंग छोड़ दी लेकिन अभी भी आप प्रोडक्शन। सच्ची बात देखिए, बात ये कि आपने जो बस वाली बात की है ना, बस वाली बात नहीं आती, आप फिर सेलेक्टिव थोड़े से जरूर हो जाते हैं, आप कहते नहीं अच्छा यार ये इस तरह का काम।